हेलो फ्रेंड, हिरेन आयुर्वेदिक चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए चार चूर्ण। पेट को हर समस्या से दूर रखेंगे। घर में बने ये चार चूर्ण पेट की समस्या से मिलेगा छुटकारा। पेट की समस्या कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि हर घर में अधिकतर व्यक्ति इससे परेशान होते हैं। पेट की मुख्य समस्याओं में कमजोर पाचन तंत्र, कब्ज, गैस बनना हो सकता है। इनके लिए डॉक्टरी इलाज करने के साथ ही आप इन घरेलू नुस्खों को भी अपना सकते हैं। आज हम आपको पेट की आम समस्याओं के लिए इलाज के लिए घरेलू चीज़ों से बनने वाले चार चूर्ण के बारे में बता रहे हैं। इनके इस्तेमाल से आपकी कई समस्याओं का खात्मा हो सकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। गैस भगाने वाला चूर्ण। सामग्री: 10 ग्राम सेंधा नमक, 10 ग्राम हींग, 10 ग्राम सज्जीखार शुद्ध, 10 ग्राम हरड़ छोटी, 10 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम काली मिर्च। विधि: इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि बस आप सारी सामग्री को इकट्ठा करें और अच्छी तरह पीस लें। ध्यान रहे कि पाउडर महीन बनाना है। जब पाउडर बन जाए तो उसे किसी बारीक कपड़े या छन्नी से छान लें और फिर सुरक्षित किसी कांच की शीशी में भरकर रख लें। जब भी पेट में आपको कोई परेशानी हो तो आप 5 ग्राम चूर्ण का सेवन करें। आयुर्वेदिक पाचन चूर्ण दूर करे गैस और अपच। पेट के रोग से हर कोई परेशान रहता है। किसी को खाना नहीं हजम होता है तो कोई गैस और एसिडिटी से परेशान है। आज हम आपको ऐसा चूर्ण बनाने की विधि बताएंगे जिसे आप पेट के सभी रोग दूर करने के लिए भोजन के बाद खा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे बनाया जाता है आयुर्वेदिक पाचन चूर्ण। सामग्री: जीरा 120 ग्राम, सेंधा नमक 100 ग्राम, धनिया 80 ग्राम, काली मिर्च 40 ग्राम, सौंठ 40 ग्राम, छोटी इलायची 20 ग्राम, पीपर छोटी 20 ग्राम, नींबू सत्व 15 ग्राम, खांड देशी 160 ग्राम। विधि: नींबू और खांड को छोड़कर बाकी की सभी सामग्रियों को पीसकर चूर्ण तैयार करें। फिर उसमें नींबू निचोड़े और खांड मिलाएं। इस मिश्रण को 3 घंटे के लिए एक कांच के बर्तन में रख दें। फिर इसका सेवन खाना खाने के बाद 2 से 5 ग्राम करें। कब्ज से छुटकारा दिलाएगा घर में बनाए ये चूर्ण। अनियमित खानपान और जीवन शैली की वजह से लोग पेट की कई तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं। इनसे निपटने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में जरूरी बदलाव करने के साथ ही आप यहां बताए जा रहे चूर्ण को भी आजमा सकते हैं। इसके सेवन से आप कब्ज, एसिडिटी, पेट के मरोड़ और गैस से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। इस चूर्ण को बनाना बहुत आसान है। सामग्री: जीरा, अजवाइन, काला नमक, मेथी, सौंफ, हींग। विधि: सबसे पहले जीरा, अजवाइन, मेथी और सौंफ को अलग अलग धीमी आंच पर भून लें। भूनने के बाद इन्हें अलग अलग बारीक पीस लें। इसके बाद एक बर्तन में काला नमक और आधा चम्मच हींग लें। अब इसमें जीरा, सौंफ, अजवाइन का पाउडर डाल लें। इन तीनों से कम मात्रा में मेथी पाउडर डालें। इस मिश्रण को अच्छी तरह मिला लें। ध्यान ये रखना है कि जीरा, अजवाइन और सौंफा की मात्रा समान होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद किसी डिब्बे में रख लें और रोज इसका सेवन जरूरत अनुसार करें। पेट के लिए रामबाण है यह चूर्ण। खाना खाने के बाद कई लोगों को बदहजमी हो जाती है। कभी कभी तो पेट दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसा हाजमे का चूर्ण बताएंगे जिससे पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। यह चूर्ण खाने वाले का जायका भी बढ़ाते हैं। सामग्री: अनारदाना 10 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, पीपल 20 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, तेजपत्ता 20 ग्राम, नींबू का सत्व 20 ग्राम, धनिया 40 ग्राम, सेंधा नमक 50 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम, सफ़ेद नमक 50 ग्राम, मिश्री की डली 350 ग्राम। विधि: सेंधा नमक, काला नमक, सफ़ेद नमक, मिश्री और नींबू का सत्व को छोड़कर सभी सामान को कड़ी धूप में 2-3 घंटे सुखा लें। फिर इसे मिक्सी में डालकर बारीक पीस लें। इसके बाद बाकी सामान को अलग से बारीक पीस लें और फिर सभी सामानों के इस पाउडर को अच्छे से मिला लें। अब इसे किसी कांच की शीशी भरकर रख लें। फिर इसका सेवन खाना खाने के बाद 5 से 10 ग्राम करें। सावधानियां: पेट दर्द की समस्या आम है। अस्वस्थ आहार और खानपान के गलत तरीके के कारण कई बार पेट में दर्द की शिकायत हो जाती है। कई बार ज्यादा खा लेने के कारण या भारी भोजन कर लेने के बाद खाना ठीक से पच नहीं पाता है और इस कारण भी पेट दर्द की समस्या हो सकती है, लेकिन हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। पेट दर्द होने पर इन चीजों का सेवन आपके पेट दर्द को बढ़ा सकता है। एक नज़र: दूध और दूध से बनी चीजें।
अगर आपके पेट में दर्द है तो आपको दूध नहीं पीना चाहिए और न ही दूध से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए। दूध से बने प्रोडक्ट्स को पचाना कठिन होता है, इसलिए इसके कारण आपको अपच की समस्या हो सकती है और पेट दर्द और ज़्यादा बढ़ सकता है। दूध पीने के कारण आपके पेट में गैस भी बन सकती है। लहसुन। लहसुन में ढेर सारे गुण होते हैं और ये कई तरह के रोगों को आसानी से ठीक करता है, मगर पेट दर्द की समस्या होने पर इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपकी समस्या को बढ़ा सकता है। लहसुन के सेवन से आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं हो सकती हैं। चाय या कॉफ़ी न पिए। पेट दर्द होने पर चाय या कॉफ़ी का सेवन आपके पेट में एसिडिटी को बढ़ा सकता है। इसके अलावा खाना खाने के तुरंत बाद भी चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। खाने के तुरंत बाद चाय न पिए, क्योंकि खाने के तुरंत बाद चाय पीने से खाना पचने में दिक्कत होती है व एसिडिटी और पेट दर्द की समस्या भी हो सकती है। सोडा। सोडा में कैफीन और साइट्रिक एसिड दोनों होता है, इसलिए ये आपके पेट दर्द के लिए घातक हो सकता है। कई बार एसिडिटी होने पर सोडा पेट दर्द से राहत भी दिलाता है, मगर एसिडिटी के अलावा किसी तरह का पेट दर्द होने पर यह पेट की समस्या को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। इससे आपको एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। बीन्स। बीन्स में ढेर सारे पौष्टिक तत्व होते हैं और ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, मगर पेट दर्द होने पर इन्हें खाना आपकी समस्या को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। दरअसल बीन्स में आयरन, कैल्शियम और अन्य कई मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसे पचाने में पेट को थोड़ी समस्या होती है। मसालेदार भोजन। मसालेदार भोजन से आपके पाचन और पेट दर्द की समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। पेट दर्द होने पर आपको सादा और जल्दी पचने वाला खाना खाना चाहिए, क्योंकि भारी खाने को पचाना पेट के लिए मुश्किल होता है। पेट दर्द के अलावा मसालेदार भोजन ज़्यादा खाने से सीने में जलन की समस्या भी हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। जल्दी ही आएंगे एक नए नुस्खे के साथ।